कर दीजिए आपका नाम के साथ और ओके okay. क्या काम कर चुके हैं आप। मेरा नाम गीतांजलि सिंह है और मैंने ज़्यादातर टीवी शोज़ ही अभी तक किए हैं और मॉडलिंग के काफ़ी असाइनमेंट्स किए हैं। मैंने टीवी सीज़ किए हैं, प्रिंट कमर्शियल्स किए हैं और शोज़ में मेरे तुम्हारी पाखी मैंने एक कैमियो किया था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इसके साथ मैंने नादानिया बिग मैजिक पे और उसके बाद अभी मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो था वो मिलियन डॉलर गर्ल था, चैनल वी पे यूथ शो था, तो अभी तक वो मैंने किया है और बाकी अभी अपकमिंग है मेरे प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मिलियन डॉलर गर्ल की बात करें तो किस तरह का किरदार निभाया था आपने और क्या कुछ प्रिपरेशन की थी उस किरदार को लेकर, क्योंकि आपके लिए तो नया ही था, तो हाँ, उसके लिए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई थी आपको उस किरदार को निभाने के लिए? नहीं, एक्चुअली वो एक बनारस की स्टोरी थी और मैं भी एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, तो यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो बनारस का फ्लेवर वो मुझे अच्छी तरह से मालूम था, तो ऐसा सच कुछ ज़्यादा मुझे प्रिपरेशन करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। शो में डायरेक्टर्स अपने को एक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब एक्टिंग वाइज, और बाकी कैरेक्टर इतना मुझे कोई टफ नहीं लगा, बहुत मेरे सिमिलर था, एक सेंसिबल कैरेक्टर था जो मैं हूँ, तो अच्छा था वो अच्छा, एक्सपीरियंस। जैसे आपने कहा कि सेंसिबल कैरेक्टर था, तो ऑडियंस को बताइए कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं और किस तरह की क्या कुछ चीज़ें आपको पसंद है रियल लाइफ में करना। रियल लाइफ में सेंसिबल तो जैसा मैंने बताया वो मैं हूँ और थोड़ी टॉम बॉयश हूँ, बहुत गर्ली गर्ली नहीं हूँ, कभी कभी अपनी एक्टिविटीज़ में थोड़ी गर्ली कर देती हूँ, लेकिन एज सच मैं टॉम बॉयश ही हूँ नेचर से। और स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है और देखना नहीं, खेलना, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है और डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ग्रेट डांसर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक विश है कि मैं डांस करूँ तो सब देखें और पसंद करें, तो मैंने क्लासिकल वैसे सीखा हुआ है, कथक और फॉर्म्स भी मैं सीखना चाहती हूँ और मे बी आने वाले टाइम में कोई ऐसा शो भी करना चाहूँगी जो डांस बेस्ड हो। अच्छा, बॉलीवुड में जब भी कोई हीरोइन आती है तो उनका एक ड्रीम होता है कि हाँ मुझे इस तरह का रोल एक बार प्ले करना है, वैसे वो सब रोल करना चाहती है लेकिन एक रोल जो उनका ड्रीम रोल होता है वो हमेशा चाहती है कि वो ये करना चाहती है, तो आपका ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप निभाना चाहते हैं? ड्रीम रोल एक कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ये ग्लैमरस नहीं पोर्ट्रे होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वर्सेटाइल हूँ एक्ट्रेस, मुझे एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस माना जाए और मैं अनुराग कश्यप की फिल्मों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं अलग अलग डायरेक्टर्स अलग फ्लेवर की फिल्में मैं करना चाहती हूँ, एक कोई फिक्स कैरेक्टर या ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में, लेकिन वर्सेटाइल वो चीज़ है मेरे लिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। अच्छा, बॉलीवुड में ऐसी कोई एक्ट्रेस जिसे आप इंस्पायर्ड हो, इंस्पायर करती हो या फिर उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो आपको? एक्टिंग मैं तब्बू से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और वो जिस टाइप की फिल्में करती हैं या अपने किरदार को जिस तरह से करती हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है, चाहे चांदनी बार उनकी फिल्म हो या माचिस हो, अभी लेटेस्ट उनकी दृश्यम आई, या मकबूल है, हैदर है, बहुत ही उम्दा उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं करना चाहूँगी उनके टाइप का काम, मतलब मेरे लिए तो बहुत बहुत दूर की अभी बात है कि मैं वैसा करूं, लेकिन हाँ ये मेरी विश है जैसा आपने पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा उससे। अच्छा, बॉलीवुड में अभी जो नई एक्ट्रेस भी आई है, आलिया है, श्रद्धा है, तो उनकी उनकी एक्टिंग कैसी लगती है और उनमें से कौन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि अभी अभी बॉलीवुड में आया और उन्हें काफी सक्सेस भी मिल चुकी है। हाँ करेक्ट, बॉलीवुड में तो उनमें से कोई एक्ट्रेस? बॉलीवुड आलिया तो उनका हाईवे मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस और मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है अगर मैं नए में से बात करूँ, बाकी कंगना, कंगना तो खैर सबकी फेवरेट हो गई हैं, मेरी भी बहुत फेवरेट हैं वो, और इनफैक्ट उनके इंटरव्यूज़ में मैं फॉलो करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो जैसे भी आंसर्स करती हैं या जैसे भी परफॉर्म करती हैं अपनी फिल्मों में या जैसे मूवीज़ चूज़ करती हैं वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने बताया कि कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि आपको अभी तो बताने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा करेक्ट, कुछ अगर आप बताना चाहें उस फिल्म के बारे में और आपके किरदार के बारे में। देखिए बहुत ही ये एक रिवेंज पे बेस्ड है वो, जो मैं अभी मूवी के लिए अभी मतलब इस फ़िलहाल ये बात चल रही है, अभी तो इसके बारे में मैं ज़्यादा सिनॉप्सिस आपको नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कैसे एक जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है तो उसके सर पे जब एक रिवेंज वर्ड जब उसके सर पे सवार हो जाता है
तो वो कैसे अपनी ह्यूमैनिटी को भूल जाता है और उसको बस एक पक्ष वो देखता है, उसको सिर्फ अपना पक्ष दिखाई देता है, शायद वो दूसरा पक्ष नहीं समझ पाता है कि क्या सही क्या गलत। स्टोरी बहुत ही नॉर्मल कॉलेज गोइंग लोगों की है, या कोई एमबीए स्टूडेंट है जो दूसरा लीड है, या मैं एक लीड कर रही हूँ। तो लेकिन वो नॉर्मल लोग ही कैसे रिवेंज अपने अपने पापा के साथ या पेरेंट्स के साथ हुआ जो ऐसी घटना कोई घटी है, तो कैसे उसके रिवेंज के लिए, वो आम लोग, वो कोई खूनी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो कैसे उनको ओवर पावर कर लेती है वो चीज़, इस पे बेस्ड है फिल्म। बाकी फिलहाल जब मूवी आएगी तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अच्छा, आपका जो प्रोफेशन है उसको आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट करती है? जैसे कि कई लोगों की फैमिली में अलाउड नहीं होता है कि एक्टर बने, तो आपकी फैमिली में ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें, किस तरह से सपोर्ट करती है आपकी फैमिली आपको? देखिए, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ करियर मतलब होता है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, तो आज भी उसको ही कंसिडर किया जाता है करियर। लेकिन मेरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो कोई अगेंस्ट नहीं है, तो ऐसा हमारे वहाँ होता है कि वो फेवर में भी नहीं होता है, मतलब अगेंस्ट नहीं है, फेवर में भी नहीं है, और ठीक है करो तो कर रहे हो, लेकिन कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, विच आई वॉन्ट कि पेरेंट्स को करना चाहिए अपने बच्चों को सपोर्ट। यू नेवर नो कि आगे जाके वो कहाँ, वो करोड़ों में से, हमारे वहाँ बोला जाता है कि करोड़ों में से कोई एक दो हिट हो पाता है इस फील्ड में, ये ऐसा फील्ड है, लेकिन यू नेवर नो कि शायद वो करोड़ों में से एक आपका ही बच्चा हो। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स करें अपने बच्चों को सपोर्ट अगर वो इस फील्ड में भी काम करना चाहते हैं। आखिर मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं अलग प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इस फील्ड में मैं अलग कुछ करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूँ, और विश है कि मेरी, कि आपको मेरी परफॉर्मेंसेज, आने वाले प्रोजेक्ट्स ये पसंद आएँ, मुझसे कनेक्टेड रहिए, मैं भी आपसे कनेक्टेड रहूं, बस इतनी विश है मेरी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।